हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्लास नंबर 7 था उसका पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाके आप टेरिटोरियल आर्मी का अर्थमेटिक देखोगे, वहां पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पहली क्लास का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। वहां पर आपके 11 क्वेश्चन करवाए गए हैं और इसका बेसिक जो है वो यहाँ पे बताया गया है। अब हम 11 से आगे वाले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या शॉर्टकट होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसके लॉन्ग मेथड होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो हमें ना यहाँ पे नेसेसरी होंगे, ठीक है। जरूरी होंगे लॉन्ग मेथड या शॉर्टकट, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो क्लास को आप पूरा एंड तक जरूर देखें और यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कर लें, इसके अंदर जो भी PDF आती है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल होती है। ये क्लास आपकी रिकॉर्डिंग माध्यम से बनाई जा रही है तो क्लास फास्ट आपके लिए होगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन खुद ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जो भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका लास्ट क्लास में डन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ए मनी फॉर 3 ईयर्स इज 240। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको 240 गिवन है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 2 साल का 170 रुपये है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर आपने पिछली क्लास देखी आपको पता है कि ट्री मेथड कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे 3 साल का ट्री मेथड बनाऊं, 1, 2, 3, 3 से पहले 2 का बना लेते हैं, तो 2 के लिए पता होगा प्रिंसिपल के ऊपर ए इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल के ऊपर ए इंटरेस्ट और इस ए के ऊपर बी का इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ ये हमारे पास 2 साल का ट्री मेथड है, ठीक है, और अगर आपको पता हो मैंने लास्ट टाइम बताया था जो SI होता है, ऐसा ही आपका यहाँ पे 3 साल है 4 साल है वो बराबर बराबर डिवाइड होता है। अगर यहाँ पे 240 SI है आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए मिला है, तो 1 साल के लिए 80 रुपये मिला होगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि ये पैसा यहाँ पे 80 रुपये होगा, ये भी 80 रुपये होगा और ये भी 80 रुपये होगा, और ये जो है ये आप कंपाउंड अगर करोगे तो यहाँ पर इस बात को बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 170 है, जिसमें से 80 रुपये यहाँ पर 80 रुपये यहाँ पे डन है, तो यहाँ पर ये 10 रुपये का होगा। हालांकि यहाँ पे भी आप बना सकते हो बट उसकी जरूरत उन्होंने पूछी नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ ये 10 रुपये का जो इंटरेस्ट है, अगर आपको ट्री मेथड पता है तो 10 रुपये का इंटरेस्ट किसके ऊपर मिला आपको, इस ए के ऊपर। तो 10 रुपये का इंटरेस्ट मिला 80 के ऊपर, अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका यहाँ पे R% आएगा 12.5%। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे परसेंटेज सिंबल मिसिंग है, आप परसेंटेज लगा लेना। मैं रिपीट कर दूं जरा एक बार यहाँ पे इसी क्वेश्चन को। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास 3 साल का बराबर होता है, तो हमें पता है कि जो पहली लाइन होती है वो आपके पास यहाँ पर 80 रुपये की आने वाली है, या तभी तो आपके पास 240 बनेगा 3 साल का इंटरेस्ट। और अगर 2 साल के कंपाउंड की बात करें तो 2 साल का कंपाउंड ये होता है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लगने के बाद यहाँ पे पैसा मिलता है। 2 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 170 है, जिसमें 80 और 80 160, और 10 रुपये आपको अलग से मिलेंगे। और ये 10 रुपये का जो इंटरेस्ट है किसके ऊपर मिला, इस 80 के ऊपर। तो अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो यहाँ पे R% 12.5% आएगा, क्लियर। और अगर मैं इसको बाय ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करना चाहता हूँ तो भी आपका आंसर ये आएगा, आप ऑप्शन से भी हिट एंड ट्रायल आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 1000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 10। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वी नो, हमें यहाँ पर ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल उठाता हूँ यहाँ पे 1000 का, प्रिंसिपल हट उठा लेते हैं यहाँ पे 1000 का, तो 2 साल का अगर मैं ट्री बनाऊंगा तो यहाँ पे 2 साल का ट्री बाय ऑप्शन उठा लो, यहाँ पे 5, 6 आप सारे ऑप्शन पिक करोगे, मैं अभी 3rd ऑप्शन पिक कर रहा हूँ। ट्री मेथड उठाया तो इसका 10% यहाँ पे लिखेंगे 100, इसका 10% यहाँ पे लिखेंगे 100 और इसका 10% यहाँ पे लिखेंगे 10। हमें पता है अगर मैं पहली लाइन को छोड़ दूंगा जो बचा हुआ मटीरियल आएगा वो आपके पास CI और SI का डिफरेंस होगा 2 साल का, जो कि 10 है और यहाँ पे भी 10 ही है, तो हमने बाय ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd आएगा। सर अगर यहाँ पे 3 साल के लिए हो तो भी हम यही अप्रोच लगाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आप यही अप्रोच लगाओगे। देखो 6% और 12% अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ भी क्वेश्चन किए हैं तो 12 और 6 तो ऑप्शन में आपने कभी नहीं देखा होगा, और अगर आप करना भी चाहते हो 12, 6 से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो वो ऑप्शन पिक करो जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो रही है, ठीक है, वही आंसर होगा मोस्टली 99% वही आंसर है। जैसे 5% ईजी है, 10% ईजी है, तो 5 और 10 को सबसे पहले अप्रोच में रखेंगे, ठीक है। 5 और 10 में से भी सबसे पहले 10 ईजी लगा, इसीलिए मैंने भी वही पिक किया और आंसर आ भी गया। इसका कोई शॉर्टकट भी है इसका, देखो 2 साल के लिए तो शॉर्टकट है, 3 साल के लिए अलग शॉर्टकट है, वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा।
इसलिए 2 साल के लिए आप ये लगा सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस है डिवाइड बाय प्रिंसिपल करेंगे, इन दोनों का करेंगे यहाँ पे रूट, और अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो सीधा आर परसेंट आएगा। डिफरेंस कितना था? 10 रुपए का। प्रिंसिपल हमारे पास है 1000, और रूट करेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पे 10% आ रहा है। ये आपका उत्तर है। बट ये फॉर्मूला आपका 3 साल के लिए नहीं है, ये आपका सिर्फ 2 ईयर्स के लिए है अवेलेबल, और डिफरेंस आपका 2 साल का ही यहाँ पे चलेगा। अगर 3 साल का आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। 3 साल के लिए क्या करेंगे? 3 साल के लिए भाई ऑप्शन हिट एंड ट्रायल करोगे, वही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर्स 25, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम डाटा है, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आप उससे कर सकते हो, या भाई ऑप्शन भी हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। अगर मैं पूछूं सबसे पहला ऑप्शन क्या पिक करोगे, 10% करके देख लो, क्योंकि 10% की कैलकुलेशन आसान है। 10% 10,000 के ऊपर ये 25 नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा 10% से, आप करके देख लो। फिर आप, मुझे लग रहा है 5% वाला आप ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे 10,000 यहाँ पे पहले साल का इंटरेस्ट, इसका 5% कितना हो जाएगा 500 रुपये, इसका 5% कितना हो जाएगा 500, और इसका 500 कितना हो जाएगा 25। पहली लाइन छोड़ेंगे तो यही डिफरेंस आएगा और यही गिवन है, तो मतलब ए ऑप्शन ठीक है। नहीं तो आप भाई फॉर्मूला करोगे यहाँ पे, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, डिफरेंस डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आर परसेंट डायरेक्ट आ जाएगा। डिफरेंस कितना है? 25, और प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर? 10,000, और अगर मैं इसका रूट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आर परसेंट आ जाएगा। अब अगर मैं इसका रूट करूंगा ये आएगा यहाँ पे 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 5%। बात समझ आ रही है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। कोई सर्टेन सम हमारे पास ये वाला गिवन है और अमाउंट हो जाता है वो यहाँ पर इतना आफ्टर 3 ईयर, तो बताओ यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। सबसे पहले सारे बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल लिखूं, प्रिंसिपल को अगर मैं 1+r/100 करूंगा, उसकी पावर यहाँ पे t रखूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला तो पहली क्लास में भी बताया था आपको सीआई के लिए। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल 1024 यहाँ पे 00, और यहाँ पे 1+r को हमने फाइंड करना है, और टाइम आपके पास 3 साल है, और गिवन है आपके पास 1458 00, तो सबसे पहले 00 से 00, और यहाँ पर ये 2 के टेबल पे कट करेंगे तो 512 और ये 729 आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि अगर मैं 1/100 और इसकी पावर अगर टी रख रहा हूँ 3, अगर मैं 729 को 512 से डिवाइड कर दूँ तो बात एक ही है, क्योंकि इसको उधर ले जाएंगे हम। अब यहाँ पर ये क्यूब है तो मैं यहाँ पर क्या लेकर आऊंगा, क्यूब रूट लेकर आऊंगा, और अगर क्यूब रूट लेकर आऊंगा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1+r/100 इज इक्वल टू व्हाट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 9/8। अब यहाँ से सारे स्टूडेंट आर को फाइंड कर लेंगे, आर हमारे पास 12.5% आएगा, ये आपने कैलकुलेशन खुद करनी है, ऑप्शन नंबर 3। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। इसका शॉर्टकट भी है, बट हम भी शॉर्टकट के ऊपर नहीं भागेंगे, हमें ये फॉर्मूला पहले ही आता है तो हम उसी से कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सम ऑफ ए मनी है वो 8 टाइम हो जाती है अपने आप को 3 साल के अंदर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। मान लो हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100, तो अमाउंट कितनी हो जाती है वो 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स का मतलब 800, तो मैं फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर t, टी हमारे पास 3 साल है, और इक्वल टू अमाउंट मेरे पास यहाँ पे 800 रुपये, तो यहाँ पर ये 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरे पास देखो यहाँ पे 1+r/100 की पावर कितना है यहाँ पे 3, ये आएगा यहाँ पे 8/1। अगर यहाँ पे क्यूब है तो इधर आके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, क्यूब रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 1+r/100, और इसकी इक्वल टू क्या आएगा 2/1, तो यहाँ से आप आर को सिंप्लीफाई करोगे डायरेक्ट पता चल रहा है वो 100% आएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्लियर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था जो अभी हमने किया, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 17, एक अमाउंट है वो यहाँ पर ग्रो कर देती है एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट अप टू दिस आफ्टर 4 ईयर एंड अप टू दिस आफ्टर 5 ईयर, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग ढंग हो सकते हैं, अगर मैं बोलूँ कि इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी है इसके, मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ बट थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से समझना। हम इसको पहली बात तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, मैं फॉर्मूले की एक डेमो आपको बता रहा हूँ बट आपने सॉल्व खुद करना है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, 1+r हमें नहीं पता, डिवाइड बाय 100 उसकी पावर 5 माइनस प्रिंसिपल 1+r/100 उसकी पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3936
माइनस 3840। क्या यहाँ से आप सारे बच्चे देखो, हमारे पास एक इक्वेशन सी बन के रह जाएगी, और कुछ बच्चे क्या, मैक्सिमम बच्चे इस इक्वेशन में फंसे रहेंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो, पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे, बात समझ आ रही है। तो यहाँ से आपकी पहले इक्वेशन ही गलत है ये। सर अगर इक्वेशन गलत है तो लिखना क्या था, लिखना ऐसे था, लिखा तो पहले भी ठीक था बट उससे आपका आंसर नहीं आएगा। हमें पता है यहाँ पे प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर यहाँ पे टी दैट मस्ट बी इक्वल टू 3936, ये हमें पता है। फिर हम लिखेंगे प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर हमारे पास टी दैट मस्ट बी इक्वल टू 3840, ये भी पता है। अगर मैं इसको यहाँ पे इधर इधर डिवाइड करके इक्वल कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से देखो पी से पी कट जाएगा और ये आपका चार बार कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 3936 बाय 3840। अब यहाँ से जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था हमारा, ये वाला जैसे हम यहाँ से कैलकुलेशन करते थे, वही कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे आएगी, बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, बात समझ आ रही है। अब इसके लिए आपको मैंने बोला था जो शॉर्टकट हमारे नेसेसरी होंगे वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि आप सिंपल सी बात समझ के चलो, अगर हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, अगर हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद अगर मैं यहाँ पर एक साल का सीआई इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास अमाउंट नंबर 1 आ जाएगी, और जब अमाउंट नंबर 1 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट नंबर 2 आ जाएगी। अमाउंट नंबर 2 के लिए प्रिंसिपल ये वाला एक्ट करेगा, अमाउंट नंबर 1 के लिए प्रिंसिपल ये वाला एक्ट करेगा। ये मैंने आपको बेसिक ऑफ ए कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बताया था। मतलब ये हुआ कि अमाउंट नंबर 5 के लिए अमाउंट नंबर 4 जो है वो एक्ट एज ए प्रिंसिपल करेगी। तो मैं आपको सीधे कह सकता हूँ कि 5 साल के बाद जो अमाउंट थी वो मेरे पास थी 3936, और 4 साल के बाद अमाउंट कितनी आई 3840। तो यहाँ पे सीधा चेक कर लेते हैं कि 5वें साल का इंटरेस्ट कितना मिला, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 6, 13 में से यहाँ पे 4 जाएगा तो यहाँ पे 9, और आगे आप चेक कर लो यहाँ पे 00 आएगा, तो 96 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला सिर्फ एंड सिर्फ 5वें साल का, जिसके अंदर आपकी पिछली जितनी भी अमाउंट होगी सबके ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा, चाहे वो इंटरेस्ट है चाहे कुछ भी है। तो हमारे पास यहाँ पे जो 5वें साल का इंटरेस्ट है उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 4th ईयर की अमाउंट यहाँ पे क्लियर रखी जाएगी, तो ये इंटरेस्ट आपको इस अमाउंट के ऊपर मिलेगा, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आर परसेंट है वो निकल के आएगा, बात समझ आ रही है। अब हो सकता है काफी बच्चों को लगे यार हाँ ठीक तो है ये हो तो जाएगा, बट काफी बच्चों को लगेगा यार ये कैलकुलेशन में फंसेगा, इससे आसान कैलकुलेशन होगी ये आपने खुद करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गया, ये वाला इससे कट करोगे 4 बार कट जाएगा, 4 आप 10 से कट करोगे 2.5% आ रहा है डायरेक्ट, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो सर ये पता कैसे चलेगा, पता तब लगेगा जब आपके पास 4 साल है और 5 साल है, गैप अगर 1 साल का होगा तो, अगर गैप 2 या 3 या 4 साल का हुआ तो यही लगाना पड़ेगा, बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं, पिछले क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा से करना और इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई करके देख लो। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, सम ऑफ ए मनी इन्वेस्टेड एट ए सीआई 800 रुपए मिलते हैं आपको 3 साल के बाद, और यहाँ पे 840 मिलते हैं 4 साल के बाद, तो कह सकते हैं कि 3 साल की अमाउंट और 4 साल की अमाउंट है, 4 साल के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगा होगा वो 3 साल वाली अमाउंट के ऊपर लगा होगा और ये हमारा प्रिंसिपल एक्ट करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 4 साल का आपके पास अमाउंट कितने 840, 3 साल का अमाउंट कितना है मेरे पास 800 रुपए, तो अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो 1 साल का अमाउंट कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा 40 रुपए का, मतलब जो 4th ईयर था उसके अंदर 40 रुपए का इंटरेस्ट मिला। अब ये 40 रुपए का इंटरेस्ट आपको इस 800 के ऊपर मिलेगा, यही चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इंटरेस्ट 5% आएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 ईयर टू द डिफरेंस ऑफ सीआई एसआई फॉर 2 ईयर्स इज 19:6, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और टेरिटोरियल में आने के चांसेस के बिल्कुल भी नहीं लग रहे, बट आप फिर भी इस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ मुझे नहीं लग रहा ये टीए एग्जाम के अंदर आएगा, बट हमें करना है क्योंकि हम अपने लेवल को बढ़ा के चल रहे हैं, ठीक है ना। सीधा सीधा सा फंड है, जो टीए वाले स्टूडेंट है टेरिटोरियल वाले बेफिक्रें, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे पहले वाले सारे आएंगे और इसके बाद भी एक क्वेश्चन करेंगे वो भी आएगा, ठीक है। वो आने के चांस है, मतलब सारे थोड़ा आ जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन आपके चांस बनेंगे, इसका चांस थोड़ा सा कम ज्यादा है, मतलब ये कम है कि आएगा नहीं पेपर में, बट हमें इसके अंदर एक ट्रिक सीखेंगे मजेदार। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल के ऊपर आपको पता है कि यहाँ पर ए एज ए इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट को मैं ए बोलूंगा और ए के ऊपर लगे हुए इंटरेस्ट को मैं बी बोलूंगा। प्रिंसिपल के ऊपर लगे हुए इंटरेस्ट को ए बोलेंगे और ए के ऊपर लगे हुए इंटरेस्ट को बी बोलेंगे, ए के ऊपर लगे हुए इंटरेस्ट को बी बोलेंगे, बी के ऊपर लगे हुए इंटरेस्ट को सी बोलेंगे। इसको बोलते हैं ट्री मेथड, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। अगर मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये पता है कि प्रिंसिपल है, यहाँ पे हमारे पास अमाउंट है ए और ए, और अगर मैं आपसे पूछूं 2 साल का डिफरेंस, तो 2 साल का डिफरेंस आपका यही होता है, तो 2 साल का डिफरेंस यहाँ पे 6 गिवन है। मैं समझाता हूँ दोबारा से, पहले समझो कि मान लो 2 साल का जो डिफरेंस है सी आई एस आई का वो 6 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना है, 6 है, और 3 साल का सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पे 19। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर अगर आप पढ़ोगे ढंग से, तो यहाँ पर 2 साल का तो फिक्स हो गया, यहाँ पे ये फंडा तो क्लियर है। अब तीसरे साल में जाएंगे तो प्रिंसिपल के ऊपर ए इंटरेस्ट लगेगा, और इस ए के ऊपर जब यहाँ पे इंटरेस्ट लगा था 6 रुपए मिला हमें, तो जब इस ए के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा 6 रुपए मिलेगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो 6 रुपए मिलेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं बी यहाँ पर और बी यहाँ पर सेम सेम है। और आप अगर मैं आपसे 3 साल का इंटरेस्ट पूछूं, डिफरेंस पूछूं, तो 3 साल का डिफरेंस क्या होगा, पहली लाइन छोड़कर 3 साल का डिफरेंस आ जाएगा, तो 6 रुपए 6 रुपए 6 रुपए तो 18 हो गए, तो सी की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तभी तो मेरे पास यहाँ पे 19 बनेगा या नहीं बनेगा। ये हमें 19 बनाने के लिए इसको 1 खुद रखना पड़ेगा, और ये 1 रुपए का इंटरेस्ट आपको कहाँ पे मिलता है, इसे 6 के ऊपर मिलता है। 6 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा 16.2% का। बात समझ आ रही है सारे बच्चे, एक बार इसको दोबारा से नोट कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। मान लो आप क्वेश्चन को, किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो आप इसको एक बार रिकॉर्डिंग में दोबारा से समझो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आर परसेंट निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, डायरेक्ट शॉर्टकट है जो वैल्यू हमारे पास 3 साल के लिखेंगे, माइनस 6 × 3 करेंगे, 6 ये वाला, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम इसको यहाँ पे 6 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 16.2% का। बात समझ आ रही है, 19 वाले को आगे 6 बार इसको माइनस, डिवाइड बाय इसको, मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सी, ये सेम ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो ट्राई कर लो, जैसे आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। अब हमें पता है यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है पेपर में, तो हम सीधा इसको लिखेंगे कि हम यहाँ पे 25 को लिखेंगे माइनस 3 बार 8 को और 1 बार 8 को डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, तो सीधा आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/8, दैट इज 12.5%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये वाला क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये आपके टेरिटोरियल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस है, इसको भी समझेंगे पूरा का पूरा A to Z, ठीक है। ए सम रुपीज 6630 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट फर्स्ट इज आफ्टर 9 इयर्स, सेकंड आफ्टर 11 इयर्स, टू द सेम वैल्यू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट आई इज 10% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड ईच पार्ट। अब सारे बच्चे एक बात को समझो, 6630 रुपये, इसको मैंने यहाँ पर एक पार्ट ए में डिवाइड करना है, दूसरा पार्ट बी में डिवाइड करना है। मान लो ए को 100 रुपये दे दिए, तो दूसरे को कितने देंगे यहाँ पे 6630 माइनस x देंगे, दूसरे को हम यहाँ पे 6630 माइनस x देंगे, और पहले का हमारा प्रिंसिपल x है, और 1 + r कितना हमारे पास 10 डिवाइड बाय 100 की पावर यहाँ पे t। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल 1 + r / 100 की पावर यहाँ पे t इक्वल टू क्या आएगा अमाउंट, और दूसरे का क्या होगा, दूसरे का मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ पे 1 + r / 100 की पावर t हमारे पास क्या होगा 11। तो ये दोनों की दोनों जो अमाउंट है वो क्या है यहाँ पे सेम है, लिखा हुआ है, अगर सेम है तो बराबर कर देंगे। अगर बराबर करेंगे आप देखो ये वाला पार्ट आपका इससे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x = 6630 - x और यहाँ पे आएगा मेरे पास 1 + 10 / 100 की पावर 2। अब या तो हम कैलकुलेशन करेंगे इस पार्ट को, हम सॉल्व करके अपना आंसर ले लेंगे कि हमारे पास ये वाला पार्ट हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, बट आप सारे बच्चे देखो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब इसमें टाइम लगेगा, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास बार बार आ रहा है तो उसका कोई शॉर्टकट तो होगा ही होगा डेफिनेटली। अब आप सबको समझ आ गया कि यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि ये 9 बार इससे 11 से कट गया तो 2 बार आया, तो यही इसका शॉर्टकट है
कि अगर यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में आर परसेंट कितना है, हमारे पास 10%, 10% को लिखेंगे 10/100, दैट मीन 1/10। 10 के ऊपर एक नंबर का गेन हो जाएगा तो आएगा 11/10। और पावर कितनी रखेंगे, ये वाली दो, ये वाली दो पावर सर कैसे रखेंगे भाई, 9 साल है और 11 साल है तो इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 121/100। क्लियर है? और यही आपके पास ए और बी की रेशो आएगी, जो यहाँ पे अगर मैं इनको बनाऊ ना रेशो हमारे पास कट कट आके, तो ये रेशो आपके पास यहाँ पर 100 और 121 की आएगी। टोटल कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 221, और 221 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है यहाँ पे 6630, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आएगी 30। अगर मैं आपसे पूछूं 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000। और अगर मैं पूछूं 121 की वैल्यू, तो 121 की वैल्यू 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3630। तो ऑप्शन आएगा 3630 और 100 3000, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही है। तो मतलब कहने का ये हुआ, सिर्फ इसको आपने नोट नहीं करना, ये वाला पॉइंट नोट करोगे आपका कैलकुलेशन कुछ भी नहीं बचा। आर परसेंट लिखा, टाइम का गैप लिखा, जो आया उसमें ये वाला पैसा डिवाइड कर दिया, इतना तो मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे समझ पाए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ये वाला सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो आप कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 4% है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 4% की वैल्यू हमारे पास 4/100, कट करेंगे तो 1/25। 25 के ऊपर एक का गेन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 26/25। तो यहाँ पे आपको देखना था, यहाँ पे हमारे पास 9 ईयर्स है और 7 ईयर्स है, तो 2 साल का गैप है, तो मैं इसका 2 साल की पावर कर दूंगा, तो ये मेरे पास यहाँ पे 26 का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे 25 का आ जाएगा हमारे पास सीधा सीधा, एक तो 625 और ऊपर वाले का आ जाएगा हमारे पास 676, 26 का स्क्वायर 676। क्लियर? तो जो ये पैसा है, इसी पैसा में आपका यहाँ पे इसी रेशो में आपका पैसा डिवाइड होगा, 676 और 625 का टोटल कितना हो जाएगा 1301, और 1301 की वैल्यू आपके पास गिवन है, और कब आएगा 3 का मल्टीपल, तो इधर भी यहाँ पे 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये आपने सॉल्व खुद कर लेना है। ठीक है, अब किसी बच्चे को ये ना लगे कि सर ये कंपेयर नहीं करना आता, ये चीजें आपको रेशियो प्रोपोर्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर आपका एक क्वेश्चन ही है, सिर्फ इसके अंदर इंस्टॉलमेंट है। देखो अगर टेरिटोरियल की बात करें तो उसमें इंस्टॉलमेंट का कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर हम इतना पढ़ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्यों छोड़े, इसमें सिर्फ एंड सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। जो डेप्ट होता है वो आप लोन भी लिख सकते हो, वो आप यहाँ पे प्रिंसिपल भी लिख सकते हो, सम भी लिख सकते हो, जो डेप्ट होता है पैसा आपने उधार लिया। इंस्टॉलमेंट तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता है, आप ईयरली मंथली इंस्टॉलमेंट सब देते होंगे, और यहाँ पे 100 100 प्लस आर, 100 100 प्लस आर, 100 100 प्लस आर की पावर 2 3 4 up to so on n। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं 2 साल के लिए लिखूंगा तो 2 साल के लिए बस इतना सा फॉर्मूला लिखेंगे हम, अगर मैं 3 साल के लिए लिखूंगा तो पावर 3 भी आ जाएगी, अगर मैं 4 साल के लिए लिखूंगा तो पावर 4 भी आ जाएगी। बात समझ आ रही है? ये फॉर्मूला आपने एज इट इज का एज इट इज याद कर लेना है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना। ए सम ऑफ रुपीज 30,000 इज पेड इन टू 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इट मीन ये आपके पास क्या होगा यहाँ पे, डेप्ट होगा या नहीं बताओ। 2 इंस्टॉलमेंट दिए तो फॉर्मूला क्या लगेगा, दिमाग में चलना चाहिए सारा का सारा साथ के साथ, फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, ये वाला अप टू 2 टाइम्स हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या था सीआई इंस्टॉलमेंट का, सीआई इंस्टॉलमेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू डेप्ट डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखो 100 by 100 plus r है, कई बार बच्चे यहाँ पे 100 plus r ऊपर लिख लेते हैं, गलत अप्रोच है, 100 by 100 plus r है, 100 by 100 plus r कितना है यहाँ पे 8% प्लस 100 by 100 plus 8 करेंगे तो इसकी पावर कितनी आएगी 2, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, अगर 3 होता तो 3 भी लिख लेते, 4 होता 4 भी लिख लेते, पेपर के अंदर मैक्सिमम 3 तक आ सकता है पेपर चाहे कोई भी है। क्लियर? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका, कैलकुलेशन का मुद्दा। अब देखो काफी बच्चे इस कैलकुलेशन से भागते हैं, ये सच है, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सच है। आप में से कुछ बच्चे भागे होंगे यार पता नहीं कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन में यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 13,000, यहाँ पे आप देखोगे ना 100 by 108, इसको साइड में लिख लो 100 by 108, आप इसको अगर कट करोगे यहाँ पे 4 के टेबल पे कटेगा, ये आएगा मेरे पास 25/27, तो यहाँ पे तो मैंने लिख लिया 25/27, यहाँ पे लिखोगे ना जब आप, तो यहाँ पर देखो 25 और 25 दो बार आएगा, स्केयर भी तो है, यहाँ पर 27 और 27 दो बार आएगा,
अब अगर मैं आपको बोलूँ इसको सिंपलीफाई करो, देखो कैलकुलेशन तो है बट हम आसान करेंगे कि 27 का लॉजिक है, या तो मैं इसमें से 25/27 को कॉमन निकाल के कर लूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ एलसीएम लेने के लिए 27 से मल्टीप्लाई खुद कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 13,000 तो लिखा ही आ गया। अब डिवाइड में क्या होगा, आप सारे बच्चे खुद देखो कि यहाँ पे मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या आएगा, 27 × 27। ऊपर वाले में से देखो 25 को अगर आप स्टूडेंट कॉमन निकालोगे तो भी ठीक है, नहीं कॉमन निकालोगे तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 26 का स्क्वायर 675, ये आएगा 675, और ये भी कितना आएगा मेरे पास 625, और ये वाला आपके पास डिवाइड है, ये वाला आपके पास घूम फिर के ऊपर आ जाएगा, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इससे कट जाएगा मेरे पास पूरा का पूरा 10 बार, 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7290 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट। क्लियर हो गया, बस इतने ही क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और बाकी आपको इस सेशन अब इस यूट्यूब चैनल के अंदर थोड़ा सा बूस्ट अप से सिलेबस मिलेगा, जल्दी हम रिकॉर्डिंग वीडियो आपके लिए और भी लेकर आएंगे, एचसीएफ एलसीएम हो गया ठीक है, और डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और काफी इजी क्वेश्चन आता है डाटा इंटरप्रिटेशन से, एचसीएफ एलसीएम में भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ठीक है। लॉगरिथम हो गया, लॉगरिथम के 10 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है और ईजी भी होता है ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो आने वाले टाइम के अंदर आपको रिकॉर्डिंग सेशन में यहाँ पे अवेलेबल होंगे ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, वीडियो को लाइक करें सारे बच्चे और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हो, और नीचे कमेंट करके जरूर बताया करो कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।